जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में समझते हैं डाउन सिंड्रोम के विषय में। देखिए, जैसे इस ससुरा का नाम है डाउन सिंड्रोम, उसी तरह से इसका काम भी होता है। तो इसके काम के विषय में हम आगे समझते हैं। देखिए, एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लैंगडन डाउन। लैंगडन डाउन ने क्या किया, 1866 ईस्वी में इन्होंने डाउन सिंड्रोम के ट्राइसोमिक अवस्था का वर्णन किया, लेकिन उन्होंने पूर्ण रूप से इसको नहीं बताया। जो लैंगडन डाउन थी, इन्होंने क्या किया, जैसे अपना घर बनता है ना तो पहले नेई खाना जाता है, तो जो लैंगडन डाउन थी इन्होंने क्या किया, बस नेई को खाना। लेकिन उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था लिजुन। इन्होंने क्या किया, 1959 ईस्वी में इन्होंने 700 बच्चों के ऊपर इस सिंड्रोम का प्रयोग किया। यानी जो लैंगडन डाउन थे, इन्होंने क्या किया, नेई को खाना, लेकिन जो लिजुन थे, इन्होंने क्या किया, घर को बनवा दिया। इन्होंने क्या किया, 700 बच्चों के ऊपर इन्होंने क्या किया, इस डाउन सिंड्रोम का प्रयोग किया। लेकिन जब उन्होंने प्रयोग किया ना, तो ऐसा मिला कि 700 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होता है जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होता है। लेकिन जो बच्चा ग्रसित होता है ना, उसके अंदर बहुत कमी होता है। अब समझते हैं कि कमी क्या क्या होता है। देखिए, जो बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होता है ना, उसका जो जीभ होता है मोटा हो जाता है, जो हाथ होता है छोटा हो जाता है, जो अंगुली होता है वो छोटा होता है, और जो बच्चा होता है वो भी छोटे कद का होता है, और जो हाथ का तालू होता है ना, यानी जो हाथ में तालू होता है, इसका एकदम खुरदुरा होता है, जैसे लगे धई के गाले पे रगड़ देगा तो धई के गाल और फाड़ देगा। यानी 700 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होता है जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होता है, और जो बच्चा ग्रसित होता है उसके अंदर ये सब कमी होता है। और वो बच्चा 12 से लेकर 14 साल तक, ज़्यादा से ज़्यादा वो 20 साल तक जीवित रहता है। और समझते हैं कि ऐसा होता कहाँ है, तो ध्यान समझिए। देखिए, जब मेल और फीमेल सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं ना, तो पुरुष के अंदर और महिला के अंदर क्या होता है, गुणसूत्रों का संख्या होता है, और उसी गुणसूत्र के कमी की वजह से ऐसा होता है। अब ध्यान समझिए, देखिए ऐसा क्या है, ये सब क्रोमोसोम का संख्या है। देखिए, अब यहाँ पे कहीं भी देखिएगा ना, तो सब दुद्वीजों को रखा, लेकिन आप एक कैसा हुआ नंबर पे देखिएगा, इसमें सबसे क्या होता है, हाई तीन थोड़ा आता है, इसमें आता है तो एक कैसावा नंबर में तीन ठोर आता है। सजों में देखिएगा दुद्दूजों को, लेकिन जो एक कैसावा होता है इसमें तीन ठोर आता है, और यह जब तीन ठोर आए एक ठोरा बढ़ जाता है 46 के जहाँ पे जब 27 होता है ना, तो वह बच्चा क्या होता है, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होता है। समझिए, पूरा कितना होता है, तो 2n यानी कितना होता है, 46 होता है। लेकिन जब मेल और फीमेल शारीरिक संबंध बनाते हैं तो एक ठोरा क्रोमोसोम बढ़ जाता है। यानी समझिए, देखिए 2n+1 क्या होता है, 46 के जगह पे 47 हो जाता है, और यह जब 47 हो जाता है ना, तो यही क्या होता है, एक बढ़ जाता है। लेकिन किस में बढ़ता है, तो एक कैसा हुआ जो जोड़ी होता है उसमें क्या होता है, बढ़ जाता है, और जैसे बढ़ता है तो 700 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होता है जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, लड़का या लड़की का जन्म किसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ का जो पुरुष सब होता है ना, एकदम अपने मेहरों के धई धई मुँह पूछता है, कहते दस ससुर जाए, एकदम लड़की नहीं पैदा हो रही है। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए मेल के अंदर क्या होता है, तो यक्स और वाई पाया जाता है, फीमेल के अंदर क्या होता है, तो केवल यक्स यक्स होता है। देखिए, जब यक्स और वाई होता है ना, तो लड़का पैदा होता है, क्या होता है, लड़का पैदा होता है। लेकिन जब यक्स यक्स मिलता है तो लड़की पैदा होती है, क्या होती है, लड़की पैदा होती है। अब देखिए, जो फीमेल होती है उसमें केवल एक्स पाया जाता है, लेकिन जो पुरुष होता है ना, मेल होता है, उसमें एक्स और वाई पाया जाता है। तो जब सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया जाता है ना, मान लीजिए हई एक्स और हई एक्स जब मिल जाता है तो दूठ एक्स मिल जाता है, तो किसका जन्म होता है, लड़की का जन्म होता है। लेकिन पुरुष के अंदर से जब वाई आता है और महिला के अंदर से जब यक्स मिल जाता है, तो जब यक्स वाई मिलता है ना, तब क्या होता है, लड़के का जन्म होता है। तो अंदर किसके कमी होता है, तो पुरुष के अंदर कमी होता है। लेकिन धाई धाई पर मेहरों के दम वहाँ कूँचता है, दस ससुर नहीं, एक लड़के नहीं पैदा हो रही है, लड़का कब पैदा होगा, अरे चाचा तुम्हारा गलती है, लड़का काहे नहीं पैदा हो रहा, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये जो क्रोमोसोम वाई होता है ये पुरुष के अंदर पाया जाता है, इसलिए अगर पुरुष के अंदर से वाई चला जाता ना, तभी लड़का पैदा होता है। लेकिन हमारे देहात का क्या है, ये सब आप लोग अपने मेहरारू को दोष देता है कि यह ससुरी गलती कर रही है। लेकिन लड़का पैदा करने में सबसे बड़ा हाथ किसका होना चाहिए, तो यह पुरुष को होता है, क्योंकि पुरुष के अंदर वाई पाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है और इसके विषय में किसने पता लगाया। समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।